एक तरफ है ये मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी, ट्रैफिक, रश, और दूसरी तरफ ये पीसफुल, क्वाइट एंड ट्री से सराउंडेड सोसाइटी। NSTI, जो कि कुछ टाइम पहले तक ATI के नाम से जाना जाता था, ये मुंबई सिटी के चुनाबट्टी एरिया में लोकेटेड है। एंटर करते ही आपको बोथ द साइड्स में प्लीजिंग गार्डन्स दिख जाएंगे। अभी बहुत फॉग दिख रहा है वीडियो में, यूजुअली इतना रहता नहीं फॉग, बट आज कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। अभी शायद विंटर स्टार्ट होने वाला है, मे भी कल परसों बारिश आई थी, आज भी बारिश आई थी, अभी भी ग्राउंड सब गीला ही है, तो मे भी उसके वजह से हुआ रहेगा। हमारे स्कूल का नाम CTI प्राइमरी स्कूल है एंड ये उसका स्टेज है। यहाँ पे हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स एंड प्रोग्राम्स होते थे। ये स्टाफ एंड स्कूल के लिए डिस्पेंसरी है एंड थोड़े सीधे चलते ही हम पहुंच जाएंगे हमारे चाइल्डहुड स्कूल में। ये अभी हमारा पुराना स्कूल है, अभी पूरा खंडर बन गया ये, तो पूरा थोड़ा देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे। This photo is around 20 years old and is taken from the exact same place from where I am recording now. ये फोटो में हमारे कुछ टीचर्स दिख रहे हैं, कुमला वाली मैडम, पुनामा मैडम, सुमिता मैम एंड रजिया मैडम। अलर्ट हमारे फेवरेट थे। ए थॉट फॉर द डे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आई एम श्योर जो CTI स्कूल में आए हैं उनको ये एक्टिविटी ज़रूर याद होगा। मैं पंकज का दोस्त बोल रहा हूँ। तो बेसिकली हम लोग हमारे मेमोरी चेरिश करने के लिए यहाँ पे हमारे जूनियर KG के स्कूल में आए, जिधर हम लोग ने अप टू फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर कोई कोई लोग ने फोर्थ स्टैंडर्ड तक यहाँ पे पढ़ाई की है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पीछे हमारा जंगल है, एक टाइम पे इधर हमारा गार्डन हुआ रहता था, तो हम लोग रिसेस के टाइम पे इधर आके सब लोग अपना टिफिन शेयर करके खाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन बट अभी हमारा ये जो एनवायरनमेंट हो गया है, मतलब ये स्कूल है देखा, जैसे आप जो सब टूट गया है, तो ये स्कूल यहाँ से शिफ्ट कर दिया, ये पूरा फैसिलिटी ही बंद कर दिया गया, तो शायद ये कुछ सालों में टूट जाएगा। तो हमने सोचा कि एक शॉर्ट क्लिप बना देते हैं इसके ऊपर, ताकि हम और हमारे जितने भी XYZ इस स्कूल के एलुमिनाई है जो यहाँ से बढ़ के गए, उनके लिए एक चेरिशेबल मेमोरी याद करने के लिए कुछ तो बचा रहे। हमारा जो गोल है उसमें हर बंदा ने एटलीस्ट जूनियर टू सीनियर KG यहाँ से ही पास आउट किया है, उसके बाद में फर्स्ट में या फिर फोर्थ स्टैंडर्ड में किसी ने दूसरे स्कूल ऑप्ट कर लिया। तो अनिकेत बोल, पंकज बोल, या फिर हमारे सारे दोस्त बोलो ATI में जितने भी थे हम लोगों के टाइम पे, या फिर हमारे से पहले के टाइम पे। स्कूल से थोड़े आगे जाते ही PRC एंड मेस है। मोस्ट ऑफ द वीकेंड्स लंच के बाद वी कम हियर टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। सेकेंड होम जैसा ही है, भी काफ़ी क्वाइट आफ्टरनून है, लेजी आफ्टरनून, यहाँ पे बैठे हुए शांत से हम लोग, शायद पूरे लेन में हम लोग 2 जन हैं, पूरा लेन खाली है और यहाँ पे हल्की हल्की हवाएं चल रही है, विंड इज ब्लोइंग थ्रू आवर फेस, यू कैन फील द कूल ब्रीज एंड वी फील एट होम। ATI में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स का यही हाल है। मेस से थोड़ा आगे एक मैनमेड पॉन्ड एंड श्रीराम मंदिर है। हम यहाँ ये पॉन्ड के पास है, यहाँ हम लोग हमारे मतलब जो फिश बड़े होते हैं वो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं,
देखने जाएंगे तो ये बहुत एक मेमोरेबल पॉन्ड है हमारे लिए, क्योंकि हमने हमारी मछलियाँ और सब मतलब जो कछुए भी थे टॉर्टोइस वो भी हमने यहाँ पे ही छोड़े, सो एक यादगार पल हम यहाँ पे बिता रहे हैं। As the happy times comes and go, the memory stays forever. Today we have gone back in life to feel the things again.